नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे घोघाटिया से चिकना के बीच हुए कितने काम की और बताएंगे आपको साइकिल से ये सफर पूरा दिखाएंगे मुकुंद ठाकुर ऑफिशियल्स के सौजन्य से कि वो उन्होंने फिर से एक साइकिल का सफर तय किया घोघाटिया से चिकना के बीच और उन्होंने पूरी स्थिति दिखाई है कि कितना काम हुआ है और कितना काम बचा है। तो पूरी रिपोर्ट जरूर देखिएगा क्योंकि ये मिशन पूर्वोत्तर का हिस्सा है। तो चलिए इस सफर पर मुकुंद ठाकुर के साथ शुरुआत करते हैं घोघाटिया से। ये देखिए, मैं घोघाटिया की ओर से आ रहा हूँ और चिकना के ओर जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, इससे पिछले जो वीडियो हम दिखलाए थे उसमें यहाँ पे केवल ये डस्ट का काम हुआ था, बाकी ये स्लीपर और पटरी का काम नहीं हुआ था। 18-19 तारीख को हम वीडियो दिखलाए थे मार्च में, आज अप्रैल का 21 तारीख है। यहाँ पे देखिए, पटरी और स्लीपर दोनों बिछ चुके हैं। इस लॉकडाउन के दौरान यहाँ पे बहुत सारा काम हुआ है। तो आपने देखा घोघाटिया और ब्रिजगढ़ के बीच काफी काम हो चुका है। यहाँ पर पटरी बिछ गई है, यहाँ पर बस मालगाड़ी आनी बाकी है और ब्लास्ट गिराना बाकी है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर स्थिति मालगाड़ी के आने की स्थिति लग रही है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि अभी जो है छूट मिली है, निर्माण कार्य शुरू हुआ है, लेकिन जो है मजदूरों को जो नहीं मिल रहे हैं। तो जो भी मजदूर हैं उसी आधार पर जो है काम कराया जा रहा है, तो इसको लेकर के थोड़ी परेशानी आ रही है। ये जब सफ़र आगे मुकुंद ठाकुर जब आगे पहुँचे ब्रिजगढ़ के आगे जो एक पुल है वहाँ की स्थिति क्या है वो देखिए, वहाँ पर कितना काम हुआ है। ये देखिए, मैं अभी ब्रिजगढ़ की ओर से चिकना की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ और यहाँ पे पिछले वीडियो में आप लोग देखे थे कि यहाँ पे केवल गिट्टी का काम हुआ था, बाकी और काम नहीं हुआ था। अब इस पर स्लीपर लगा दिए गए हैं और काम अब स्टार्ट हो चुका है। 2 दिन हुआ है काम स्टार्ट हुए, 19 तारीख से यहाँ पे काम प्रारंभ हो चुका है। अभी मजदूर सब नहीं है क्योंकि मैं शाम के वक्त में आया हूँ यहाँ पे। ये आप पुल देख रहे होंगे, ये पुल बनकर पूरा रेडी है। आज थोड़ा बारिश होने के कारण इस पे थोड़ा आप लोगों को मिट्टी या कीचड़ नज़र आ रहा होगा, लेकिन पुल बन के तैयार है। बस आप 4 से 5 दिन में यहाँ पे काम प्रारंभ हो जाएगा, तो उसका भी वीडियो हम लेके आएंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे काम प्रारंभ हो चुका है लॉकडाउन के बाद। यहाँ पे देखिए पटरी बिछा दिए गए हैं। तो रास्ते में कई जगह पर जो है वो स्लीपर बिछ गया है, पटरी बिछ गई है और यहाँ पर भी हमें पटरी दिखाई दी। जब भूथा पुल के पास हम पहुँचे, मुकुंद ठाकुर ने यहाँ पर भी जो है दिखाया कि काम जो है वो अब स्लीपर और पटरी के स्तर पर यहाँ पर आ चुका है। तो कुल मिलाकर के जो है 2 पुल है घोघाटिया और चिकना के बीच, उसमें ये दूसरा पुल है भूथा पुल जो बड़ा पुल है, और उसके पास भी जब पिछली बार आपने देखा था यहाँ पर मिट्टी का काम हो रहा था, लेकिन अब डस्ट के आगे स्लीपर का काम दिखाई दे रहा है। पास में जो है वो पटरी लग रखी गई है। तो कुल मिलाकर के जो है यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर बहुत जल्द पटरी बिछा दी जाएगी और इस ट्रैक को जो है ये जो पुल है इसके ऊपर ट्रैक बिछा दिया जाएगा, क्योंकि ट्रैक जो है वो ला करके रख दिया गया है। देखिए पुल के पास हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर देखिए पटरी, इसे पहले जो वीडियो दिखलाए थे उसमें यहाँ पे पटरी नहीं रखा गया था, बाकी नया काम इस पे कुछ नहीं हुआ है, केवल पटरी ला के रख दिया गया है, बाकी इस पे काम नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम उधर नहीं जाएंगे, उस साइड से हम दिखलाएंगे, क्योंकि बाकी पिछले वीडियो के अलावा यहाँ पे बाकी काम नहीं हुआ है, केवल यहाँ पे ऊपर में पटरी ला के रख दिए गए हैं, बाकी काम इस पे नहीं हुआ है अभी तक। तो पुल तक जो है वो पटरी और स्लीपर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके आगे जो स्टेशन तक जो है सिर्फ डस्ट का काम हुआ है। और डस्ट देखिए जब ये नज़र आता है तो इस पर अभी स्लीपर और पटरी का काम बचा हुआ, स्लीपर आकर रख दिया गया है। साथ के साथ जो है ये चिकना स्टेशन है, चिकना स्टेशन का जो वो प्लेटफॉर्म का एरिया है वहाँ पर अभी गड्ढा दिखाई देता है, मिट्टी अभी उसका समतल नहीं किया गया है, उसका काम बाकी है। देखिए मैं चिकना रेलवे स्टेशन के पास पहुंच चुका हूं। यहां पे देखिए अभी केवल गिट्टी बिछा के छोड़ दिए गए हैं और स्टेशन पे मैं बता दूं कि नया काम कुछ नहीं हुआ है, बस जैसे पहले था वैसे ही है अभी तक।
तो खुशी की बात यह है कि काम थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन शुरुआत हो गई है लॉकडाउन जो है वो, उसमें जो छूट मिली है उसके बाद से जहाँ 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 पर जो है वो मजदूर और लेबर जो है अवेलेबल है वहाँ पर काम शुरू कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये अच्छी खबर है। और मिट्टी का काम जो है वो खत्म हो चुका है और डस्ट के काम के आगे जो है वो अब पटरी और स्लीपर के काम पर बात आ गई है। तो ये है पूरी रिपोर्ट। मुकुंद ठाकुर का शुक्रिया अदा करेंगे। इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इनके चैनल का डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहाँ से आप लिंक जो है उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि लगातार ये वीडियो भेज रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते रहिए दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।